तपों के आचरण से क्या होता है, सहनशीलता बढ़ती है। सुन रहे हो, टॉलरेंस पावर, हर कोई चाहता है सहनशीलता बढ़े। बाहरी तप करो, अंतरंग तप करो, तप करने से ही सहनशीलता आएगी और तप करके ही आप कुछ सहन करने की अपने अंदर, चाहे शारीरिक रूप से चाहे मानसिक रूप से। ये बाहरी तप हमें शारीरिक सहनशीलता को बढ़ाते हैं। क्या सुन रहे हो, अगर आप तप के माध्यम से अपने शरीर की शक्ति को बढ़ाओगे तो कभी आपके लिए छोटे छोटे नियम टूटेंगे नहीं। रात्रि भोजन का त्याग कर देते हो लेकिन फिर भी कभी रात में भूख लग गई तो खा लेते हो, समझ आ रहा है। कई बार अगर नहीं भी मिला तो फिर उस दिन तड़फ जाते हो। अगर एकाशन करने की भी ताकत रहेगी तो कम से कम रात्रि भोजन का त्याग तो अपने आप हो जाएगा। तपों के माध्यम से क्या आती है, सहनशीलता। बाहरी तपों से शारीरिक तप के माध्यम से शरीर में सहनशीलता बढ़ती है और जो छह अंतरंग तप है इनसे मानसिक सहनशीलता बढ़ती है। सुन रहे हो, अभी तो आपने क्या सीखा, अपने शरीर को सहनशील बनाना। थोड़ी सी भी गर्मी लग गई, थोड़ा से भी ठंड लग गई, तुरंत हीटर कूलर सब चला लेते हो, लेकिन अगर सहन करने की क्षमता रखोगे तो कुछ भी सहन करके अपने शरीर को कुछ उसके योग्य बना पाओगे। आप देखते होगे कि जो किसानों के बेटे रहते हैं, जो मेहनत करने वाले व्यापारियों के बेटे रहते हैं, उनके शरीर में जो ताकत होती है वो ताकत अलग होती है, और तुम लोगों के लिए जो एसी में पड़े रहते हो, तुम्हारे शरीर की जो ताकत होती है वो ताकत अलग होती है।